तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सामान को हाथ लगाने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मेरी एक एक हील्स की कीमत ना हो तो तुम्हारे पूरे साल की सैलरी के भी बराबर होगी। तुम कर क्या रहे हो? एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज इन्हें अपना काम करने दीजिए और मेहरबानी करके आप भी अपना काम करिए। थैंक यू वेरी मच। मॉम, ये सब ना इसी लड़की की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तुम देव भाई को छोड़ क्यों नहीं देती? उसे दूर क्यों नहीं चले जाती? उनसे दूर चले जाती तो कम से कम हमें ये मुसीबत देखनी नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, तुम तो मिस हिंदी डिक्शनरी हो ना, तुमने तो यही सोचा होगा ना कि अगर मैं यहाँ नहीं रह सकती तो और कोई नहीं रहेगा। तू आर सच अ सेल्फिश गर्ल कृष्णा। है ना, देखिए आज जो सब कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी गलती है। अगर किसी को कुछ भी कहना है तो मुझसे कहे, इनसे नहीं। कहते हैं अकलमंद आदमी वो जो दूसरों की गलती से सबक लेता है, लेकिन लगता है तुमने मेरी गलती से कुछ नहीं सीखा। मैंने भी तुम्हारी तरह एक कॉमनर से शादी की थी और इस एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन तुम्हारे फैसले ने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी भी तबाह कर दी। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो देवराज, और हम सबको हमारी बर्बादी। हे यू, अगर मेरे सामान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उठाओ उसे। देव, 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 ये क्या हो रहा है? हम और तुम्हारे गजका का आराम से सो रहे थे कमरे में, ये लोग सीधे घुसे। अरे उन्होंने हमारे कपड़े, हमारी ज्वेलरी, यहाँ तक कि हमारा मेकअप का सामान भी ले लिया। देव, तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? आओ हम तुमको दिखाते। भैया देखो, हमारा मेकअप का सामान कम से कम वापस दे दो, उसके बिना ना हम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी, आप मेकअप के बाद भी किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, अपना मुंह बंद रखिए, हटिए यहाँ से। कच्ची, क्या कर दिया आपने? क्या दिन देखने मिल गए हैं जयलक्ष्मी, और ये सब इसकी वजह से। ये यहाँ होती ना ये फसाद खड़ा होता। मैं तो कह रहा हूँ अब भी वक्त है देव, निकालो इसे यहाँ से बाहर, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? Close the door, get out! लेकिन नहीं, हमें इसे यहाँ रखना है ताकि हमारे सर पर बैठकर तांडव कर सके, है ना? बस आज के बाद कोई भी मेरी वाइफ को कभी कुछ नहीं कहेगा। और कृष्णा को कुछ भी कहने से पहले आप लोग खुद को देख लीजिए, शादी के एक पवित्र बंधन से ज्यादा प्यारा आपके लिए समान है। हम सब साथ में रहे काफी नहीं है क्या? देखिए मैं आप सबसे वादा करता हूं, ये सारा सामान आपको फिर से मिलेगा, मैं आपको लाके दूंगा। आई प्रॉमिस यू। इस महल को मैं फिर से बनाऊंगा हम सबके लिए। जब तक मैं हूं आप सब मेरी जिम्मेदारी है, बस प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए।